सो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन सौर और आप देख रहे हैं एसएससी मैजिशियन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एसएससी मैजिशियन यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो आपने मैजिक देखा वो है रुमाल से कैसी जादूगर लोग छड़ी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने स्टेज पे देखा होगा बड़े बड़े जादूगर भी इसे करते हैं। हर स्टेज पे लगभग किया जाता है। क्या होता है कि जादूगर एक हाथ में रुमाल लेता है और उसके तुरंत ही छड़ी बना देता है। तुरंत ही क्या करता है, छड़ी बना देता है बहुत लंबी। रुमाल गायब हो जाता है और छड़ी बन जाती है। तो आज के इस मैजिक में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप लोग इसे कैसे कर सकते हो और इसे कैसे किया जाता है और जादूगर लोग इसमें क्या चीटिंग करते हैं, क्या हाथ की सफाई रहती है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, मैं आपको मैजिक पूरा सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को स्किप ना करें और मैजिक को पूरा देखें, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ अगर आप बॉडी गेन करना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी फिट रखना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एक बार कॉल करें। वो आपको एक प्रोटीन देगा जिससे कि आपकी बॉडी काफी अच्छी ग्रोथ होगी। प्रोटीन सप्लायर है तो काफी लो प्राइस में आपको प्रोटीन अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप बॉडी से कुछ संबंधित प्रोटीन लेना चाहते हो या उससे कुछ जानकारी चाहते हो तो दिए गए स्क्रीन वाले नंबर पर जरूर कॉल करें। तो आपकी क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत पतले हैं, दुबले हैं, बहुत सारे। तो अगर चाहते हैं अपने फिटनेस को अच्छा रखना तो दिए गए स्क्रीन जो नंबर है उस पर जरूर कॉल करें। जिसका पेट भी बाहर है, अंदर करना चाहते हैं, तो वो भी एक बार कॉल जरूर करें, उनसे पूरी राय लें, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और आपको जरूरत होगी तो आपको प्रोटीन सप्लाई भी कर देंगे, आपको कुरियर भी कर देंगे आपके घर पे। तो नंबर पे कॉल जरूर करें। तो चलो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ किस मैजिक को आप लोग कैसे कर सकते हो, कैसे रेडी कर सकते हो। तो चलो सीखते हैं यार, चलो सीखते हैं जादू, चलो सीखते हैं जादू, चलो सीखते हैं जादू, चलो सीखते हैं जादू। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक रुमाल की। जी हाँ दोस्तों, ये मैजिक हैंकी है, मैजिक हैंकी इसका नाम रहता है। ये बहुत ही पतला होता है, ये देखो दिखने में बड़ा रहता है पर होता बहुत ही पतला है। इसको क्या कर सकते हो, हाथ पे भी पूरा फोल्ड कर सकते हो, इतना छोटा सा ये हो जाता है। ये कोई मोटा कपड़ा नहीं है, बहुत पतला रहता है, इसके आर पार भी देखा जा सकता है। देखो उसके बाद आपको चाहिए होगी एक छड़ी। तो कोई भी जादूगर ऐसे रुमाल की छड़ी नहीं बनाता है वो, ठीक है। क्या होता है, ये छड़ी रहती है ऑलरेडी, इसको हाथ पे ऐसे छुपाया जाता है। ऐसे कभी भी देखना, अगर जादूगर स्टेज पे आ रहा है ना, जब वो रुमाल की छड़ी बनाएगा, कभी भी देखना किसी भी स्टेज पे, तो उसका हाथ आपकी तरफ इस प्रकार से हिलाएगा, ना कि वो इस प्रकार से करेगा, इधर से वो अपना हाथ कभी शो नहीं करेगा, आपको इधर से दिखाएगा। तो आपको सिखाता हूं आपको क्या करना है। ये हैंकी लेनी है और यहाँ पे एक पिन बनी हुई रहती है, आप लोग देख सकते हो। तो क्या करना है, रुमाल का जो छोर रहता है वो यहाँ पे बांध लेना है। अभी बांध के दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक रुमाल के लिए स्पेशली बना हुआ रहता है बांधने के लिए। तो यहाँ पे ये बांध लेना है इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पे इसको इस प्रकार से बांध ले ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रुमाल। आप क्या करना है, जो ये डंडा दे रखा है ना पीछे से, ये प्रेस होता है। क्या होता है, यहाँ पे ये ना, यहाँ पे इसको ऐसे में प्रेस करते हैं ऐसे। तो जब आप पीछे वाले को प्रेस करोगे तो आगे वाली जो पिन है वो इस प्रकार से हो जाएगी, ऐसे हिलने लग जाएगी वो। नहीं तो क्या होता है, ये फोल्डिंग छड़ी है, ये क्या होता है, अगर ये पिन छुटकाओगे ना, पिन इधर से हटा दोगे तो ये ऊपर आने लग जाएगी। देखो ऊपर आने लग गई ना, तो ये यहाँ पे क्लिप ऐसी बांधी हुई रहती है ताकि छड़ी ऊपर ना आए। ये जो होता है, ये प्रेस करना होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये प्रेस करोगे तो ये आगे ऐसे हो जाएगी। तो सिखाता हूँ जादूगर क्या करते हैं, जैसे स्टेज पे ऐसे आते हैं ऐसे, तो इसको हाथ में प्रेस करके रखते हैं इस प्रकार से, ऐसे प्रेस करके रखते हैं ऐसे, और ये हाथ ऐसे रख देते हैं ऐसे। ये क्लिप जो रहती है ये हाथ पे रहती है, इस प्रकार से दिखाते हैं तो लगता है रुमाल हाथ से पकड़ रखा है, लेकिन नहीं, ये यहाँ पे रुमाल बंधा हुआ रहता है इस क्लिप पे, और ये जो रहता है सीधी हो जाती है उसके बाद। तो क्या करते हैं, जब छोड़ना होता है, छड़ी बनानी होती है, तो इसे तुरंत ही छोड़ देते हैं। ये देख सकते हो, ये जो है इसको तुरंत क्या करते हैं, पुश कर देते हैं और ये छड़ी बन जाती है। अब क्या करना होता है, ये छड़ी तो बन गई, ये देखो छड़ी बन गई, रुमाल इसके अंदर चला गया, ठीक है। और जब इसको फोल्डिंग करना, इसको फोल्डिंग भी करना होता है, नहीं तो ये बन नहीं पाती है। देखो फोल्डिंग किया ना, तो आपको क्या करना होता है, एक हाथ से यूं घुमाया, दूसरे हाथ से यूं घुमाया, ऐसे करके इसे प्रेस करना होता है, बंद करना होता है। अभी आपको रुमाल दिखाता हूं किधर गया, वो देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर से अभी कपड़ा आ रहा है। अगर इसे आप परचेस करते हो तो ये आपको मैजिक शॉप पे 500-600 की मिल जाएगी। और इसे ध्यान से जब आप लॉक करते हो ना, प्रेस करते हो,
तो बड़े ध्यान से करें, क्योंकि एक टीम की पत्र की बनी हुई होती है जो आपके हाथ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये देखो कुछ इस प्रकार से दोबारा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। एक बार दोबारा दिखाता हूं क्या होता है कि इसे प्रेस करना होता है पीछे से, ऐसे ऐसे प्रेस करना होता है, ऐसे ऐसे, और यहां पर जो क्लिप रहती है ऐसे करना होता है। इस साइड से दिखाता हूं, ऐसे करते हैं, ऐसे ये प्रेस हाथ से प्रेस हो रखा है, ये लॉक फ्री है, देख सकते हो आप लोग, लॉक फ्री है, हाथ से प्रेस हो रखा है। तो ये छोड़ना होता है इस प्रकार से, और ये कुछ ही सेकंड लगते हैं इसको सीधा छरी बनने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था यार आज का मैजिक रुमाल से छरी बनाना, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। तो हाँ एक बात और बोलना चाहता हूं, अगर आप कहीं पे भी शो देखते हो, मैजिक शो या वो रुमाल की छरी बना रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो यार प्लीज उसके बीच में ना बोले, क्योंकि उसकी भी रोजी रोटी है और वो भी उससे मनोरंजन करवाता है, उसके बीच में ना टोकें, उसका शो का आनंद लें। और अगर आपको आता है, अगर आपको ट्रिक पता है, अपनी ट्रिक अपने पास ही रखें और आपकी जहां पे जरूरत पड़े वहां पे उसे प्रदर्शित करें, कहीं पे भी किसी का खेल डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। तो यार उम्मीद करता हूं आपको ये मैजिक काफी अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी इंटरेस्टिंग मैजिक वीडियो देखने के लिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब मैं मैजिक वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन आ सके। यार अगर आप, मैं बोला आपको, अगर आप बॉडी गेन करना चाहते हो या बॉडी लॉस करना चाहते हो तो दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर जरूर कॉल करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे सप्लीमेंट मिलते हैं कि आप बॉडी को गेन भी कर सकते हो और लॉस भी कर सकते हो। अगर आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, उतने पैसे नहीं है, तो आप इजीली कम प्राइस में वो परचेज कर सकते हो। जो नंबर पे दिख रहा है स्क्रीन पे उस पर जरूर कॉल करें, आपको बॉडी से संबंधित कोई भी शिकायत है तो वो सॉल्व हो जाएगी। तो यार चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मैजिक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।